अरे कल्लू भाई, लगता है आप सदियों बाद नहाए हो और बढ़ ढच के कहाँ जा रहे हो। हाँ भाई, मेरे सास ससुर ने कई बार बुलाया लेकिन मैं आज तक नहीं गया। और अब तो सासू माँ जिद कर बैठी है, दामाद जी आपको आना ही पड़ेगा। बस मैं उनके सामान रखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है भाई जाओ, लेकिन वहाँ ठीक से रहना, वो ससुराल है, अपना घर नहीं। ठीक है भाई, मैं अभी चलता हूँ, मुझे शाम तक अपना ससुराल भी पहुँचना है। अरे आइए आइए दामाद जी, आपको यहाँ तक आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं हुई, बस रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया था। मैं 3 किलोमीटर गाड़ी को धकेल कर लाया हूँ लेकिन रास्ते में कोई पेट्रोल पंप की दुकान नहीं देखी, बस सिर का पसीना एड़ी की चोटी पर आ गया था। बेचारा दामाद जी थक गए होंगे, आप हाथ मुंह धोकर आराम करो, मैं तब तक लिए आपको मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे संजना कौन है वहाँ और तुम किससे बात कर रही हो? आ जी बाहर तो आकर देखो, अपने घर पे दामाद जी आए हैं। कौन दामाद? कैसा दामाद? आ जी अपने छोटकी के पति आए हैं। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम दामाद जी को चाय दूध बनाकर पिलाओ। ठीक है जी, ये लो दामाद जी आपकी चाय, मैं अपने हाथों से स्पेशल आपके लिए बनाकर लाई हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। ऐसा चाय तो आपकी छुटकी ने बनाकर नहीं पिलाई है। माँ ओ माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ, शांति कमरे में सोई हुई है, तुम उसे उठा देना और बोल देना मेरे लिए खाना बनाकर रखे। ठीक है बेटा, तुम नहा कर आओ, मैं बहू से बोल कर तेरे लिए खाना बनवा दूंगी और साथ में टिफिन पैक करा दूंगी। बहू ओ बहू, उठ जाओ, बेटा नहा कर आने वाला है। अरे माँ जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, ऐसा करो आज आप खाना बना लो प्लीज। अरे बहू, इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या बात है, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और बेटे के अलावे है ही कौन। ठीक है तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। माँ ओ माँ, बन गया खाना और मेरा टिफिन तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बेटा, खाना बन गया, खा लो। ठीक है माँ, अब हम जाते हैं काम पे।